बातचीत की है। किरण चौधरी ने कहा कि नायब सैनी को जनता ने चुना है और उनको पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में फिर से विकास होगा। सांसद किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे, तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बनने जा रही है, श्रुति चौधरी भी जो है वो तुशाम से विधायक जो है वो चुनी गई है, एक इतिहास रचा है भाजपा ने हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में तो कभी सुना नहीं था कि तीसरी बार भी सरकार बनती है। और ये केवल और केवल इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो जनहित की नीतियाँ हैं और जनहित की जो है उसको सर्वोपरि रखकर वो काम करा जाता है। और दूसरी तरफ जो है जो विपक्ष था वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, ये बाप और बेटे के अलावा और कुछ रहा नहीं था। बाप और बेटा खुद ही के जो है जहाँ पर इनके चमचे नहीं लड़ रहे थे उनको ख़त्म करने में लगे हुए थे। तो इस तरह की बात जो है जनता ने देखी हुई है। इनके समय पर पूरी तरह से क्षेत्रवाद हुआ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ, लोगों से जो है नौकरियों के ऊपर जो है अब तो खर्ची और ना पर्ची की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे करी गई। और सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से चला कि इनके लोग खुलम खुल्ला जो है वोट मांग रहे हैं इस बात पे कि इस बारी वोट दे दो, सारी नौकरियां हम देंगे, पहले अपना घर भरेंगे फिर देखी जाएगी किसी और के लिए। तो जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दी। हम हार का कारण क्या देखते हैं, क्या कारण रहा कि कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? एक और एक खाली, ना तो इनके पास संगठन है, इनका खुद आप देख लीजिए, उदय भान जी जो इनके अध्यक्ष थे वो ही इतनी बुरी तरह से हार के निकल रहे हैं। तो जिसका अध्यक्ष का ही अपने जमीन के ही ऊपर कुछ ना हो, और वो तो खास जो है हुड्डा जी के इधर, वो जो है बावरिया जी वो भी हुड्डा जी के अध्यक्ष जी, वो भी हुड्डा जी के, तो हुड्डा जी ने तो ये वो कहते ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी थी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट हो रही थी कि भ्रष्टाचारी है, पूरी तरह से क्षेत्रवादी है, पूरी तरह से नकारात्मक है और सारे लीडरशिप को खत्म कर रही है। तो जनता ने उसका जवाब जो है बहुत अच्छी तरह से दिया। कांग्रेस प्रभारी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है दीपक बावरिया ने, क्या लगता है आपको कि प्रदेश अध्यक्ष और एलओपी को भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर नैतिकता अगर इनके अंदर है तो इनको अपने घर बैठ जाना चाहिए, सच्चाई तो ये है, लेकिन अब देखते हैं क्या करेंगे। श्रुति चौधरी का भी बावरिया जी का सवाल है, ही इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। ये हुड्डा का लड़का और उदय भान, ये चार लोग जो हैं दे आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउट ऑफ द कांग्रेस इन हरियाणा। जिस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई है, अशोक गहलोत जो है इसके अंदर चेयरमैन है, प्रताप बाजवा को रखा गया, तो क्या लगता है किस तरीके से अगर रिपोर्ट जाएगी तो कांग्रेस के पास, तो कार्रवाई जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जा सकता है, एलओपी भी बदला जा सकता है, 18 तारीख को एक बैठक भी जो है वो कांग्रेस की बुलाई गई। कांग्रेस में मैं भी थी, तो जब जो है ना जब पल्ला झाड़ना होता है तो ये कमेटियां बन जाती हैं। कमेटी जो है 4-6 महीने काम करेगी, खूब ऊपर नीचे भाग दौड़ होगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट वो करेगी, उसके बाद सारा ठप होके खत्म हो जाएगा। आखिरी सवाल श्रुति, कोई अंजाम आज तक तो आया नहीं है ना आगे आने वाला। आखिरी सवाल, श्रुति चौधरी को क्या कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है इस तरीके के कोई? ये मैं आपको बार बार ये एक ही बात ही कह रही हूँ, देखिए श्रुति जीत के आई है, अच्छे वोटों से जीत के निकली है, सांसद रह चुकी है, और ये जो है कैबिनेट वाली बात जो है ये कार्य क्षेत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है कि वो अपने कैबिनेट में अपनी टीम के अंदर किसको रखें, तो ये तो वो ही अच्छी तरह से बता पाएंगे, मैं तो इस बात पे कोई बात कह नहीं सकती। हमसे बातचीत करने के लिए तो किरण चौधरी जो है राज्यसभा सांसद हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर साफ तौर पर निशाना जो है उनकी ओर से साधा गया है। अगर नैतिकता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को घर बैठ जाना चाहिए, इस तरीके की बातें जो हैं वो राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की ओर से कही गई है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज। दूसरी बार पानीपत ग्रामीण से विधायक चुने गए महिपा।